ये और ये ध्यान से देखिए, करीब करीब एक ही जैसी चीज है, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने इसको, उससे कुछ होना नहीं है वैसे, दो वेरिएबल तो दोनों ही आने, पर आर एक से लिख देते हैं ऊपर, ठीक है ना। थोड़ा सा नाम चेंज कर रहा हूं कुछ, ठीक है। तो जब ये बैलेंसिंग होएगी उस समय आर एक्स बटा आर वन वुड बी इक्वल टू, यदि इधर से नाप रहे हैं एक्स तो शायद आपको दिख रहा हो, वुड बी इक्वल टू वन माइनस एक्स इंटू आर बटा एक्स इंटू आर, सही है कि नहीं। सॉल्व कर लीजिए, समझना अरेंजमेंट। तो अनटोन रेजिस्टेंस आर एक्स हम नाप लेंगे, इतना ही होता है बस मीटर ब्रिज में, और कुछ नहीं। देखा आपने व्हीटस्टोन ब्रिज ही है ये, नहीं लिखा? यदि ये रेशियो इसके बराबर हो जाएगा काम हो जाएगा, फिर आर एस रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, सेम अरेंजमेंट। दिख गया होगा यार, तो ये अनटोन रेजिस्टेंस निकालने का एक जुगाड़। Got it? Any doubts? पक्का? अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज, हम इसमें एंड के रिजल्ट यदि मान लीजिए यहां बैलेंस हुआ तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, तभी लेते हैं रिजल्ट जब बीच में कहीं आए, मतलब 20-25 सेंटीमीटर से 70-75 सेंटीमीटर तक, इस तरफ कभी आता है तो हम क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा अल्फा बीटा एंड करेक्शन, इसलिए रिजेक्ट कर देता। ठीक है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस होगा। यदि अपन ने मान लीजिए इसके पास में ले लिया रिजल्ट तो उसमें तो अल्फा का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, जबकि बीच में लेंगे तो अल्फा बीटा का कंट्रीब्यूशन कम है। तो एंड करेक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कहां लेते हैं रीडिंग, बीच के इलाके में, इधर आती है तो आर वन को चेंज कर देते। बेटा पोटेंशियोमीटर से कलर मालूम करते हैं, इससे टेम्परेचर मालूम करते हैं, इससे प्रेशर, ठीक है। हाँ, ईएक्स, अच्छा ईएक्स निकला ना वहां पे, क्योंकि अपन ने तब नापा था जब करंट फ्लो नहीं हो रहा, जबकि वोल्ट मीटर से हम कभी भी एक्स नहीं निकाल सकते, जबकि इसमें अपन एक्स निकाल पा रहे थे पिछले वाले, ठीक है ना। अभी वक्त है आदत बदल ले, बड़े आगे। ओके, लास्ट छोटी चीज बचती है, दो मिनट की चीज है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है, टेंशन वाली चीज भी नहीं है, आसान सी चीज है। क्या होता है कि कभी कभी हमको कोई अप्लायंस समझते हैं आप, इलेक्ट्रिक सामान कोई चीज होती है ना, राइट, लाइट बल्ब पंखा ये सब, ये तो खैर ठीक है एसी है, बट डीसी तो अजीब सी दुनिया, खैर कोई नहीं। उसमें ऐसा बोल देते हैं कि हमारे अप्लायंस 100 वोल्ट 200 वोल्ट वोट का है, 100 वोल्ट 200 वोट का है, इन दोनों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। इसको बोलते हैं रेटेड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज। यदि ये कोई सवाल मिले तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, इसको यूज ही नहीं करना डायरेक्टली, तो हमें क्या निकालना है इससे, रेजिस्टेंस एंड आई मैक्स, वो करंट जिससे ज्यादा करंट फ्लो होने पर ये बर्बाद हो जाएगा, और रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, बहुत आसान है, वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू पी, कितना हो गया रेजिस्टेंस, कोई पढ़ा लिखा हो यहां पे, हाँ 50 आ गया, नहीं वी स्क्वायर, हाँ ठीक है 50 आ गया, ऑलराइट।
और आईमैक्स कैसे निकलेगा? पी इज इक्वल टू आईमैक्स, क्योंकि ये मैक्सिमम पावर है, इन टू वी. कितना आ गया आई मैक्स? कितना आ गया है मैक्स? 2 एम्पियर. करेक्ट. बस इससे ज्यादा करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं होना चाहिए, इसका रेजिस्टेंस इतना है. इन दोनों का यूज सवालों में मत करिएगा, जो डेटा देंगे सवाल गलत सॉल्व हो जाएगा. काफी सवाल है इसमें, मैंने प्रैक्टिस के लिए दे रखे. अब आपको करंट स्टडी में प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है ना, सवालों में मेरी साइड से कुछ बचता नहीं है करने को. प्रैक्टिस अपन आराम आराम से करते रहेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा थोड़ा, टाइम है अपने पास. ठीक है.